नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन यूं तो बहुत से इश्यूज़ और बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 21वीं तरमीम के हवाले से जो बहस हो रही है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो कमेंट्स और जो दलाइल दिए गए, जहां ऑब्जर्वेशंस आई कोर्ट की तरफ से, वो भी बड़ी अहम है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हुई उसमें पहली दफा हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की तरफ खुल के इशारा किया गया और ये कहा गया कि खित्ते की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस इलाके में पाकिस्तान में अपना खेल खेल रही हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजिक चेंज है और हम समझते हैं कि बहुत अहम है। लेकिन हमारा मेन फोकस आज के प्रोग्राम में उसकी डेवलपमेंट की तरफ रहेगा, जहां हम देखते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने विटनेसेस प्रेजेंट करने शुरू किए जुडिशल कमीशन के सामने। और ये जो अहम मरहला है ये एक दिन के बाद आया जब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल ने एनए 125 में, जहां पे हामिद खान साहब के मुकाबले में ख्वाजा साद रफीक साहब कामयाब हुए थे, उस इलेक्शन को कालदम करार देके फ्रेश इलेक्शन करने की उन्होंने रिकमेंडेशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दी थी। ये वो मेन डेवलपमेंट है, जुडिशियल कमीशन और एनए 125 का फैसला, जिस पे हमारी बहस का फोकस रहेगा। तहम हम समझते हैं कि आज वजीर आजम पाकिस्तान जब तशरीफ ले गए बहावलपुर में और वहां पे जो कायद आजम सोलर पार्क का इफ्तिताह हुआ, उसमें सबसे पहले तो वजीर आजम जो वजीर आला हैं पंजाब के जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनको और पंजाब हुकूमत को कंग्रेचुलेट करना, उन्हें मुबारकबाद देना बड़ा अहम है, इसलिए कि पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर एक मंसूबे को रिकॉर्ड टाइम में, यानी जो टाइम था उस टाइम के अंदर उसे उन्होंने कंप्लीट किया है और एक मुस्तकबिल की तरफ बेहतर एक स्टेप उन्होंने लिया है। तहां बहुत से सवाल भी हमारे जहन में है। वहां पर वजीर आजम पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब ने मीडिया के हवाले से जो दिलचस्प कॉमेंट्स किए वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं और कुछ उस पर हमारी तरफ से भी हम्बल सबमिशन हैं, वो भी फिर बाद में बात करते हैं। पहले मियां नवाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर के कॉमेंट सुन लें। 5 रुपए और 79 पैसे जो है वो बिजली की कीमत कम की गई है, तो ये मैं समझता हूं कि इसका क्रेडिट यकीन तवक्कु है कि हमारे मीडिया वाले हजरात जिनकी नजर इस पर अभी तक नहीं पड़ी, वो उनकी और बड़ी मसरूफियात होती हैं, तो इस पर भी उनकी नजर पड़ेगी और वो इसको भी उजागर करेंगे, बताएंगे कौम को कि जनाब ये बहुत अच्छी चीज है जिसपे मीडिया की नजर करम पड़नी चाहिए थी, लेकिन उनकी नजर करम और उनकी प्रायोरिटीज थोड़ी सी अभी डिफरेंट है, लेकिन मैं तवज्जो दिला रहा हूं उनकी कि आप मेहरबानी करके अपने प्रोग्रामों में इसका जिक्र जरूर करें कि बिजली 5 रुपए 79 पैसे कम हुई है। नाज़रीन आपने देखा कि वजीर आजम के दिलचस्प कमेंट्स पे शहबाज शरीफ साहब भी बहुत महजूज हुए और सलमान गनी साहब और इफ्तिखार अहमद भी वहां पे बड़े कहके लगा रहे थे। अब वजीर आजम क्या क्या रहे हैं? पहली बात तो यह है कि वजीर आजम एडमिशन कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा टेलीविजन चैनल है इस मुल्क का, 8 से 10 अरब रुपये जो खर्च करता है और जो टैक्स पेयर का पैसा भी इस्तेमाल करता है और जो हर घर से बिजली के बिल के ऊपर 35 रुपये हर महीने लेता है, पाकिस्तान टेलीविजन जी PTV, उसकी कारकर्दगी से वजीर आजम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। यानी वजीर वो एक ऐसा टेलीविजन चैनल है जिसका मकसद हयात ही यही है कि हुकूमत की सुबह से लेकर शाम तक उसकी कामयाबियों की तारीफें करे, तारीफों के पुल बांध दे, जमीन आसमान एक कर दे, कलाबे मिला दे, लेकिन उस PTV की जो क्रेडिट देता है PTV, उससे वजीर आजम पाकिस्तान जो है मुतमइन नहीं है। वो चाहते हैं कि हम बेचारे जो छोटे छोटे चैनल्स में बैठे हुए हैं, टेलीविजन एंकर और प्रोग्राम वाले, वो भी वजीर आजम को क्रेडिट दें। चले हम दे देते हैं आपको क्रेडिट। और आपका यह ऑब्जर्वेशन वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान का मीडिया सतही इशू पे, सेंसेशनल इशूज पे ज्यादा फोकस करता है, उसमें सब्सटेंटिव जो इश्यूज हैं, तहकीक के जो इश्यूज हैं, पॉलिसी के इश्यूज हैं, उन पे डिबेट कम होती है। लेकिन इस पे एक बहस होनी चाहिए हमारी हुकूमत के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के, कि वजीर आजम उसके लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और हम लोग उसके लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। 4 सिफारिशात जो हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहले तो आपके वुजरा जो अब आपकी कैबिनेट में है, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, वो बार बार कस्में खा के ये कहते रहे जब पीपल्स पार्टी का जमाना था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम पाकिस्तान टेलीविजन PTV को आजाद कर देंगे, उसको BBC की तरह खुद मुख्तार बनाएंगे, हमें उसे कैद में रखना, हुकूमत के लिए करना, प्रोपेगेंडे के टूल के लिए इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। उन वादों का क्या हुआ? आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान टेलीविजन को आजाद कर दें, उसे पाकिस्तान के लोगों को वापस कर दें। यह तो 10 अरब रुपए की व्हाइट एलिफेंट है, इसको BBC की तरह एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दें, इसे आजाद कर दें। दूसरा, वजीर आजम साहब यह जो पैमरा है जिसको आपने मीडिया के ऊपर एक पुलिसमैन के तौर पर रखा है, खुदारा इसे आजाद कर दें, इसे एक
एक रेगुलेटर के तौर पर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की शक्ल दें। तीसरा मोहतरम वजीर आजम, जो इंफॉर्मेशन एक्ट इस मुल्क में है, जो बन तो गया है लेकिन उसकी कोई ब्यूरोक्रेसी बात नहीं मानती, कोई ऑपरेशनल नहीं है। अगर आज हम किसी ब्यूरोक्रेसी को यह चिट्ठी लिख के पूछें कि कायद आजम सोलर पार्क में आपने यह तो बताया कि 15 अरब रुपए का यह सोलर पार्क बना है और उसमें 100 मेगावाट पहले फेज में जनरेट होगी, अगर हम पूछें कि पर मेगावाट इसकी कॉस्ट कितनी इस वक्त है और जब कंप्लीट होगा तो पाकिस्तान के लोगों को पर मेगावाट इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो कोई मिनिस्ट्री हमें यह बात नहीं बताएगी। तो थोड़ा सा ख्याल उसका भी कीजिए। और चौथा फिर यह है कि अपनी मिनिस्ट्रीज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन समेत, किसी मिनिस्ट्री को कहें चेक करें किसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के लोगों के लिए और मीडिया के लिए पहले आप दें तो सही, जिसका कि मीडिया एक तनकीदी जायजा ले सके। तो मीडिया पर तनकीद करना तो बड़ा आसान है हुकूमतों के लिए, और आपकी डिससेटिस्फेक्शन और आपका दुख कि पीटीबी जो है वो आपकी तारीफ में जितने कलाबे मिलाता है वो मुकम्मल नहीं हो सके, वो भी हम तक पहुंच गया है। कोशिश हम करेंगे कि आपको सेटिस्फाई करें, लेकिन हमारी सिफारिशात पे भी गौर करने की कोशिश कीजिए। ये कहने के बाद अब हम चलते हैं उस इशू पे जिसके लिए मेरे पास स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं गेस्ट, जो एनए 125 जिसका कल फैसला हुआ और जुडिशियल कमीशन जहां आज सबमिशन आई है, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब बैरिस्टर हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके फेवर में कल फैसला हुआ कि यहां पर इलेक्शन जो है वो गलत हुए हैं और इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। खान साहब बहुत वार्म वेलकम टू यू। उनके साथ ही नाजीन तशरीफ रखते हैं रोहिल असगर साहब, पीएमएलएन के मेंबर नेशनल असेंबली हैं और हुस्ने इत्तफाक है कि आप नेबरिंग हल्के से हैं, यानी वो एनए 125 में थे, आप एनए 124 में हैं, तो आप एक तरह से उनके पड़ोसी रमसाए हैं। भी कुछ फेंक दीजिए, आपके पास पूरा टाइम है सर। और उसके बाद नाजरीन हमारे साथ कमर दिलशाद साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इस डिस्कशन में मौजूद हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपसे रोहिल असगर साहब बात को अगर हम आगाज कर सकें कि क्या कंफ्यूजन क्या है कल से जो मची हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है या दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना है, इलेक्शन होने देना है, क्यों ये कंफ्यूजन है, खत्म नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर, पहले तो मैं गुजारिश करूंगा, मैं आपकी अक्लो शऊर जो आपकी सीरियसनेस उस पर तो मैं कई कुछ नहीं सकता। माशाल्लाह आप डॉक्टर भी हैं, गुफ्तार भी आपकी अच्छी है। जरा मुझे ये बता दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने कहां क्रिटिसाइज किया, वो अल्फाज दिखा दीजिए। नहीं आप मुझे, अब देखिए मुझे कहने दीजिए, अब आपने देखा ना, आपने, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं हकायक बयान करूंगा। मैं ये स्वीडिया को मैं कोई गिला नहीं कर रहा ना, मैं क्रिटिसाइज मैंने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट किया कि मेरी बात जरा सुन लीजिए, टेलीविजन मेरी बात सुन लीजिए, उसकी कारकर्दगी मुझे आज पीटीवी और कल के पीटीवी में अगर आप मुआवजना कर लें तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें बड़ी बेहतर नजर आएंगी। आज वो लोग भी उस पीटीवी पर जाते हैं जो लोग खुल के हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं और प्रोग्राम होते हैं। ये तो इसे कहते ऐसा नहीं था, मुशरफ के जमाने में ऐसा नहीं था, वहां ऑपोजिशन उसने तो गला घोंट दिया था, फ्रेंड होता था, तबाह कर दिया था उसने, वो तो 2007 में आपके मुंह से मैं उसकी तारीफें सुनता हूं, मेरे ख्याल से आप बात मुकम्मल करें फिर मैं इसको इसको मैं इसलिए कह रहा हूं। देखिए बात तो उनकी एक बात ठीक है कि अगर कोई चीज ऐसी आती है जो नेशन वाइड लोगों के फायदे की तो कहीं कहीं डिस्कस कर लिए कीजिए। यहां तो डॉक्टर साहब एक शख्सियत ऐसी है जो लंदन में छींग मारती है, उसको एक एक घंटा दिखाया जाता है। रोहिल असगर साहब इसका क्या जवाब है कि 10 अरब रुपए का जो टेलीविजन 8 से 10 अरब टैक्स पेयर के पैसे से वो आपके कंट्रोल में है, मैं आज आपके मुकम्मल कंट्रोल में, इस बात को क्यों नहीं आप डिस्कस करते? ये तो प्राइवेट टेलीविजन चैनल है। मैंने आपको कहा है कि आप जरा थोड़ा सा उसको निकाल के देख लीजिए, आपको फर्क महसूस होगा, बिल्कुल फर्क महसूस होगा। मैं पिछले 7 साल से इसी काम में सर, आप मुझे अब आप पे एक ऐसा इशू है कि जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं आज में मीडिया की आजादी का क्रेडिट तो अनफॉर्चुनेटली जनरल मुशर्रफ को देना पड़ता जी है। आप मैं जानता हूं दो हुकूमतें जो पीएमएलएन की गुजरी और जो पीटीआई पीपीपी की गुजरी, आप लोगों ने कतई तौर पर मीडिया को किसी किस्म की आजादी नहीं दी। ठीक है, 1999 तक इस मुल्क इख्तियार में आप जो चाहे कह दें, मेरे इख्तियार में क्या, मैं सही नहीं कह रहा। 1999 अक्टूबर तक इस मुल्क हिंदुस्तान में बेतहाशा प्राइवेट टेलीविजन चैनल, मैं उस जमाने की बात नहीं कर रहा, इसको भी मैं क्यों नहीं डिक्टेटर्स को कहूंगा, उन्होंने इसको पनपने नहीं दिया। आज मैं ये कहता हूं कि आप इसको चलने दीजिए। किसको चलने दें? इस डेमोक्रेसी को। अब देखिए डेमोक्रेसी की डिबेट कहां से आ गई? देखिए मैं आपको ये आप सीखते हैं ना, नहीं नहीं सीखिए। अभी इशू ये है कि पाकिस्तान टेलीविजन पे आपका कंट्रोल है, आपका कब्जा है, ये रियासत का चैनल है जिसको आप फर्क महसूस कीजिए। हुकूमत के इंटरेस्ट है ना। नहीं सर, मैं तो बेसिक चीज कह रहा हूं कि फिलोसफी गलत है। आपको क्यों पाकिस्तान टेलीविजन पर कंट्रोल है? अच्छा कौन कह रहे हैं आपको? मैं यही तो कह रहा हूं, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन और आपके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन के टोटल कंट्रोल में है पाकिस्तान टेलीविजन। कौन सी जमात है जो आके वहां पे हुकूमत पे तनकीद नहीं करती? क्या इतना कंट्रोल, ये इसको आप कंट्रोल कहते हैं? देखिए हम ये कहते हैं कि सारा दिन हुकूमत की तारीफ। आप असल इशू पे नहीं जा रहे, मैं क्योंकि ये मेरा हक था,
मैंने उसको इस्तेमाल किया। देखिए अब आप जो इशू डिस्कस करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मैं खान साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान टेलीविजन को सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन और मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन या मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन के जरिए कंट्रोल करने का कोई हक जो है गवर्नमेंट को नहीं है। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू तमाम टेलीविजन चैनल्स पर आता है, उसको जो कंट्रोल किया हुआ है हुकूमत ने, ये बिल्कुल एक ज्यादती है। मैं यही कह रहा हूं आपको कि वक्त आएगा, आप खुद देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीजें तब्दील होती चली जा रही है और हो जाएंगी। मैंने हजूर इस पर ब्रेक भी लेनी है, मैं कहता हूं कि आप हमारे साथ एक बहस करें, सिर्फ ये एक कुंगी जो है ना छोड़ने की कि जी ये है वो है, आप बहस करें कि कौन जिम्मेदार है इस मुल्क की मीडिया की सूरत हाल का, हुकूमत कितनी जिम्मेदार है और प्राइवेट चैनल्स कितने जिम्मेदार हैं। प्राइवेट चैनल्स तो सेठों के हैं, उन्होंने अपने पैसे लगाए हैं प्राइवेट चैनल्स के ऊपर, आप उनको कैसे लेक्चर दे सकते हैं। जो रियासत का चैनल है, जो रियासत के लोगों की जेब से हर महीने पैसे लेकर खड़ा किया गया है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहा हूं कि आपको फर्क महसूस, अगर आप एक नजर से देखना नहीं चाहते तो डिग्रीज का फर्क है, आप नहीं देखना चाहते तो मैं जबरदस्ती तो आपको दिखाने, जरा अगर आप नहीं उसको मानना चाहते इसको आप ये नहीं समझे कि हुकूमत कितनी इस पे लीनियंट। चले हमने आपकी दुखती रग पे हाथ रखा, इस पे मुकम्मल एक बहस होनी चाहिए हुकूमत के दरमियान और पाकिस्तान के मीडिया के दरमियान में कि पाकिस्तान टेलीविजन को आजाद हुकूमत क्यों नहीं करती, जब बारहा ये कहा गया था कि हम इसको आजाद करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं और अभी तक तो फिर हम डिस्कशन पे आ नहीं सके, ब्रेक के बाद हम डिस्कशन की तरफ चलते हैं। नाजिन वेलकम बैक, कोशिश करते हैं कि हम असल टॉपिक की तरफ जा सकें और कमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ हैं। कमर दिलशाद साहब, आपका क्या तज्जिया और एनालिसिस है कि पीएमएलएन क्यों इतने कंफ्यूजन का शिकार है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है या फिर इलेक्शन लड़ना है? अदालत असली तौर पर तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो फैसला आया है वो उनका हुक्म जारी किया गया, आपने अपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में उनकी सिफारिशात की है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कालदम करने का हुक्म जारी कर दिया है, वो उनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। उन्होंने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो फैसला किया है वो उन्होंने अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 में बना था उसकी 67 और 68 के मुताबिक उन्होंने फैसला कर दिया है। और उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जब ये महसूस हो जाए कि उनके हल्के में करप्ट प्रैक्टिस हुई है, तो करप्ट प्रैक्टिस की बहुत बड़ी डेफिनेशन है जो हामिद खान ही बता देंगे कि बहुत बड़ी इसमें कस्म होता है कि इसमें बराबरी की गई है, खौफराज पैदा किया गया है, बेजाबगी हो गई है, काउंटर फाइल पर दस्तखत नहीं किए गए, मोहरें नहीं लगाई, बैलेट पेपर के बारे में देखा जाता है कि कहीं ज़्यादा ओवर तो आपने बैल्टिंग नहीं कर दी है, एक थम प्रेशर देखा जाता है, सारी करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आती है। उसमें होता है कि आप रिटर्निंग ऑफिसर के क्या फैसले किए, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से हो गया, ज़ाबता इख्लाक देखा जाता है। ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है सेक्शन 67, 68, 78, उसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला कर दिया। उन्होंने ये ठीक है कि उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी जिम्मेदार नहीं लिखा या रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में उन्होंने एक थोड़ा सा एक अपना रवैया जो था बड़ा नरम रखा, क्योंकि नरम रखने की सबसे बड़ी वजूहत यह है कि जो हमारा अवामी नुमाइंदगी एक्ट जो बना था 76 में ये मेलोफाइड था। इनकी बैड इंटेंशन ये थी कि रिटर्निंग ऑफिसर जो मर्जी इंतखाबात करवा दे, रातों रात जो बेल्ट बॉक्स चेंज करवा दे, उसको जिम्मेदार करार ना दिया जाए। ये 76 में हमारी किसी गवर्नमेंट में यानी आपको शक है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत को उस वक्त भी जो एक्ट है 1976 का बनाते हुए जहन में ये था कि जो इलेक्शन होंगे उसमें असर रसूख इस्तेमाल करना होगा? बिल्कुल, ये आपने मैंने हमेशा कहा, आपके चैनल में मैंने कहा, देशभर चैनल पे कहा, ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मैलाफाइड बैड इंटेंशन के तहत तमाम इख्तियार उठे रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिए गए और रिटर्निंग ऑफिसर को जिम्मेदार नहीं किया गया। और मैं बात एक आप अहम बात कर जाता हूं कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट सेक्शन जो 55 है जिसके तहत इलेक्शन पटिशन दाखिल की जाती है, हामिद खान को साहब को पता है, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पार्टी नहीं बनाया जाता। इनकी पार्टी के बहुत से कैंडिडेट्स ने ला इल्मी में आकर रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी बना लिया, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनकी तमाम की तमाम इलेक्शन पटिशन खारिज कर दी, गैर कानूनी करार दे दी। आप रिटर्निंग ऑफिसर को ना पार्टी बना सकते हैं ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पार्टी बना सकते हैं, ये एक मैलोफाइड था। और जो बाद की हुकूमतों ने भी इसको बरकरार रखा, मैं फखरिया तौर पर कहता हूँ रोहित असर साहब बैठे हुए इनका कोई कसूर नहीं है, इनकी पार्टी दरअसल इन्होंने भी देखा होगा, हमने अपनी तजवीज पेश की इलेक्शन कमीशन ने कि रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी बनाया जाए, लेकिन वो कानून साजी नहीं हुई।
और इसी तरह से अच्छा, अब तो आप ये कहते हैं कि चूंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हुक्म दिया है, ये कोई सिफारिश नहीं की है, इसलिए इसे मानना चाहिए, रोहेल असगर साहब का इस पर रिप्लाई ले लेते हैं जी। मानना चाहिए, माना गया, माना गया, खत्म हो गया मामला। जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला इलेक्शन के पास आ जाएगा तो रात को उसको फैसला जो है उसको कदम नोटिफिकेशन कर देंगे। अब कितनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं कंवर साहब, जरा बताने दें जी, कितनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं और कितनी आर्टिकल्स और कानून के सारे मामला को दिखा रहे हैं आपको और आपका टीवी लोग देख रहे हैं। कन्फ्यूजन कहां से स्टार्ट होती है? मासूफ 2002 में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, कंवर दिलशाद साहब और वो मेरी जिंदगी का, मैंने पहला इलेक्शन 79 में लड़ा और आखिरी मैंने 2013 में लड़ा, मेरी जिंदगी का वर्स्ट तरीन इलेक्शन 2002। माशाल्लाह चारों दफा कामयाब हुए। मैं जो बात कर रहा हूं, 2002 का वर्स्ट इलेक्शन था। मुझे ये अपनी कोई एक स्टेटमेंट उसमें दिखा दें कि जी प्रेसाइडिंग ऑफिसर, और ये सारे का सारा इलेक्शन जो था वो रिग्ड था 2002 का, और मुझे कोई अपनी एक स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें इन्होंने अपने जमीर की आवाज बुलंद। अच्छा, इस पे मैं आऊंगा, अभी हामिद खान साहब एक आखिरी बात में, कानून है 50 बोलना शुरू कर देंगे, कानून उस वक्त कानून सोया हुआ था या ये आंखें बंद किए बैठे थे? कानून तो आपने बनाया हुआ था, कानून आपका सोया हुआ था, हमने किया था ना भाई। रोहिस्ता का जमीर की बात ना करें, आप जमीर की बात ना करें, आप मेरी बात सुने। आप आपको मैंने तजवीज पेश की थी, जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के तहत को बनाया जाए पार्टी, आपने पार्टी नहीं बने दिया, आपकी हुकूमत ने पार्टी नहीं बने दिया, इलेक्शन था। अच्छा, और जब कभी कोई इंसान डॉक्टर साहब साहब आप तमीज से बात करें, आप थोड़ा ऊंचा बोल, मैं आपका बड़ा एतराज करता हूं, मतलब कि वो गलत बात कर। अच्छा, मैं जरा कमर दिलशाह साहब रुकिए, गलत बात आप कर रहे हैं, आप अभी देखिए कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कानून क्या होता है, ऊंची आवाज में समझते हैं, गलत बात आप कर रहे हैं। मैं अवामी ने मैं एक्टर वाला दे रहा हूं, कुछ नहीं है, लाख की बात करें, आप सोच चुके हैं 56 का काम किसने बनाया? चुका हूं, देखिए इंतहाई गलत बात कर रहे हैं, आप इतना एतराज करते हो, आप अपनी पार्टी से बड़े बात कर रहे हैं, आप मैं ये बात कह रहा हूं 2002 में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं थे। मैं अपने इलेक्ट को ठीक करें, अपने आपके डीएमजी ग्रुप के सेक्रेटरी आए हुए थे, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से सेक्रेटरी आए हुए थे, मैं सेक्रेटरी नहीं था, जस्ट इरशाद साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। क्या थी? इरशाद साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और सेक्रेटरी कोई और था। अच्छा, लेकिन सर ये एक, मैं इस पर रुक जाइए, ये एक अलग साइड पे बहस नहीं की है, अगर आप चाहते हैं तो हम अगले हिस्से में इसके ऊपर आ जाते हैं। हम दो बहुत शुक्रिया, रुकिए कंवर दिलशाद साहब, सर ये क्यों नहीं सर, इस इशू पे हम फिर आ जाते हैं, मैं आपसे हम इसको डिस्कस करेंगे। एक इलेक्शन का पिटीशन का फैसला आया, फैसला हो सर, वो जो आर्गुमेंट उन्होंने रेज किया अभी तक, बैरिस्टर साहब ये आर्गुमेंट क्या सही है कि 1976 का जो कानून है उसमें जो आप रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह को फरीक नहीं बना सकते, उनको नहीं लेके आ सकते उसके अंदर? जी उसमें नहीं है, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी बनाने का नहीं है। और बहरहाल एक जो बात ये कहते हैं तो क्या, ना सिर्फ कि मेरे इलेक्शन में बल्कि मैं तो बहुत सारे इलेक्शन केसेस करता हूं, इसमें बहुत ज्यादा रिटर्निंग ऑफिसर के हक में ये सारा कानून है, और जो चैलेंज करता है उसके लिए बहुत सारी दुश्वारियां डाली गई हैं। इसके पीछे क्या वजह होगी? प्रिजम्पशन ये है कि शायद जो इलेक्शन होते हैं वो दुरुस्त होते हैं, इसलिए कम से कम चैलेंजेस हों और कम से कम सेटिस्फाइड हों, इसलिए जो आदमी इलेक्शन चैलेंज करता है और सक्सेसफुली चैलेंज करता है वो वर्चुअली एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरता है, बहुत ही एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है, फिर कहीं आप अपनी इलेक्शन पिटीशन जो है
وہ کامیاب کروا سکتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ قانون کا جھکاؤ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر ریٹرن کینڈیڈیٹ کے حق میں ہے, اور جو چیلنجنگ کینڈیڈیٹ ہے اس کے لیے بہت دشواریاں ہیں. اس میں بیلنس کسی نہ کسی بیلنس ہی نہیں ہے, یعنی بنیادی طور پر 176 پہ. میں ایک بریک لے لوں, میں آپ کو پورا ایکسپلین کریں. ایک بریک ناظرین لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر جاتے ہیں اس پرنسپل ایشو کی طرف آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بہت سی گفتگو جو ہونی چاہیے تھی ابھی تک ہو نہیں سکی ہے. بیرسٹر خانہ خان صاحب, لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جائے تو کیا یہ الیکشن آپ لڑیں گے, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تو خوشی کوئی نہیں ہے اس رزلٹ سے, آپ تو بلکہ پریشان لگ رہے ہیں کہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے اور آپ اتنے مصروف ہیں اور آپ سیاست کو چھوڑ کے وکالت کی طرف جا چکے. جی نہیں, میں تو ہمیشہ وکالت اور سیاست میں ایک بیلنس رکھتا رہا ہوں. کوئی اب تو نہیں چھوڑ کے جایا, میں کبھی بھی نہیں چھوڑی سیاست, لیکن یہ ہے کہ میں اس رزلٹ سے بہت خوش ہوں اور میں بالکل الیکشن لڑنے کو بھی تیار ہوں. لگ نہیں رہا کچھ, مجھے اسے لگ رہا باڈی لینگویج جو ہے نا وہ چل نہیں رہا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال میں ایک بہت چونکہ اہم کیس ہے جو ڈے ٹو ڈے میں آرگیو کر رہا ہوں پوری سپریم کورٹ کے سامنے, تو میری بہت ساری توجہ اس طرف ترمیم کا 21ویں اور 18ویں ترمیم. عامر خان صاحب, لیکن یہ 2015-2013 نہیں ہے. 2013 میں عام انتخابات تھے, جنرل الیکشن تھا, لوگوں کو بہت سی توقعات تھیں, پاکستان تحریک انصاف نے گاڑی چلائی بھی تھی, عام انتخابات کے رزلٹ کچھ بھی نکل سکتے ہیں, ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس کی. اب یہ بائی الیکشن ہے, اور جیسا کہ کینٹ بورڈ کے الیکشن نے یہ ثابت کیا ہے کہ خواجہ سعد رفیق نے بڑی محنت کی ان حلقوں میں, 15 وارڈ انہوں نے جیت لیے کینٹ وغیرہ کے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جو انرجی چاہیے ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ میں ہے یہاں پہ کیمپین چلانے کی, اگر الیکشن ہو ہی جاتے ہیں, اگر ہونے میں ہمارے لوگ پی ایم ایل این کے. جی جی بالکل ہے, اور میرے خیال میں پارٹی بھی اس کے لیے بہت گیئرڈ اپ ہے, کیونکہ یہ حلقہ جو تھا ان 4 حلقوں میں سے تھا جو کہ پارٹی نے ایک ایگزامپل کے طور پر پارٹی لیڈر نے کہا تھا کہ یہاں پر سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے, اس لیے آپ ایسا کریں کہ ان 4 کو بطور ٹیسٹ کیس کے آپ ان سب کی انکوائری کرا دیں. تو اس لیے یہ صرف معاملہ میری کیمپین کا نہیں, یہ ساری پارٹی کے ایک موقف کا معاملہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں پارٹی اس حوالے سے تو گیئرڈ اپ ہے. آپ بھی گیئرڈ اپ ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ چونکہ وکالت میں بہت مصروف ہیں, آپ ہی چاہیں گے اس الیکشن کو لڑنا یا آپ چاہیں گے کہ کوئی اور مطلب یہ الیکشن؟ جی نہیں, میں نے اتنی جو محنت کی ہے اسی لیے, سبجیکٹ جو پارٹی کے ڈیسیجن ہوتا ہے, لیکن میری اپنی یہی کوشش ہوگی کہ میں ہی کینڈیڈیٹ ہوں, کیونکہ آفٹر آل یہ سارا الیکشن اور ساری 2 سال کی جو پٹیشن ہے تو اسی لیے لڑی گئی. وہاں جو شرط تک تھی کہ ریحام خان یہ الیکشن لڑیں گی. جی افواہیں تو یہ چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ ریحام خان کی الیکشن لڑیں گے, پھر سنا تحریک انصاف نے کلیریفائی کیا ہے. فخر کا مقام ہوگا ہم سب. دیکھیے اگر تو پارٹی چیف خود لڑنا چاہے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. ریحام خان تو پارٹی چیف نہیں ہے. نہیں ناٹ ریحام خان کی, میرے خیال وہ تو لوگوں نے اڑا دی ہے, کبھی ایسی کوئی بات نہیں, نہ ہی کوئی اس قسم کا کوئی امکان ہے کہ وہ ابھی براہ راست سیاست میں آ رہی ہیں یا الیکشن لڑیں گی, ایسی تو کوئی بات ایسا نہیں ہے. اچھا تو اب غصے میں تو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں درمیان میں, وہ جو سوال تھا کہ آپ لوگ اسے کہتے ہیں الیکشن کی طرف جائیں گے یا آپ لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے, اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. اس میں آپ کو تھوڑا سا انپٹ اس میں دے دوں. دیکھیں بات یہ, خواجہ سعد رفیق کے پاس اس کا رائٹ تو ہے, خواجہ سعد رفیق کا رائٹ ہے. جی رائٹ ہے, وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, اپلینٹ ایز اے اپلینٹ جا سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف, اور اس میں بہت ساری شکم ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ رائٹ نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں فیصلہ کریں نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ فیصلے کے لیے ان کے پاس دن تو ہے نا, ابھی ود ان 1 منتھ. کیوں جی, یہی ہے ود ان 1 منتھ. ایک مہینہ لگ سکتا ہے, ایک مہینے مطلب ایک مہینہ میں کہہ رہا ہوں, اس پیریڈ کے درمیان آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے خلاف فیصلے کے خلاف آپ نے سپریم کورٹ میں جانا ہے یا نہیں جانا. یہ ایک ان کا رائٹ اپنی جگہ موجود ہے, جس کو اس کو استعمال کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میں احمد خان صاحب میرے محترم ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن بحثیت ایک لے میں وکالت کے ساتھ میرا اتنا تعلق نہیں ہے, لیکن اس فیصلے میں بہت سارے شکم ہیں. اگر آپ ابھی پارٹی سوچ رہی ہے اسیس کر کے سچویشن کو, میں عرض کر رہا ہوں کہ ان سے سعد رفیق صاحب سے بھی پوچھا جائے گا ڈیفینیٹلی, بیکاز ہی از اے وننگ کینڈیڈیٹ وہاں سے, اور اتفاق سے چونکہ یہ جس کانسٹیچوئنسی کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, حامد خان صاحب جس کو ڈسکس کر رہے ہیں 125, یہ
मेरी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अच्छा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा ठीक, मैं कंवर दिलशाद साहब, मुदस्सर रिजवी साहब ने मुझे टेक्स्ट किया दरम्यान में, बहुत से टेक्स्ट आए हैं चूंकि बड़ी डिस्कशन चल रही थी, बहुत से टेक्स्ट आए हैं उनका और एक और लोगों का। यह कहना है कि जो रोपा का एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1974, उसके सेक्शन 91 के अंदर पनिशमेंट्स रखी गई हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए। ये और बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कभी इन ताकतों को इस्तेमाल करने की जहमत नहीं की। वो मैंने तो आगे बात करने थे, लेकिन हमारे दोस्त राहुल असगर साहब जो है वो अपनी पार्टी के वफादात के तहत आपके बीच में आ गए, मैंने ये बात आगे करनी थी। उसमें यह था कि ठीक है, लेकिन उसका सबसे बड़ा अहम मसला है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो कभी भी रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ सजा देने की तजवीज करने में अपनी राय दे सकता है, लेकिन उस पर अमल दरामद करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो आर्टिकल जो ठीक कह दिया है उन्होंने कि वो सेक्शन 91, 92 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, उनमें 2 साल की सजा भी तजवीज़ की गई है, और वो फिर अपना सेक्शन 85 के तहत कार्रवाई की जाएगी, और फिर 78 में करप्ट प्रैक्टिस जो है वो शामिल किया जाएगा। ये सारी सेक्शन साथ साथ मिलती है, 78, 82, 85, 91, 93, उस ये सारी चीजें उसमें शामिल है। लेकिन बदकिस्मती ये हो रही है कि इलेक्शन कमीशन जब भी आए, जितने भी आए, वो आम तौर पर उसकी नज़रअंदाज करते रहे, हमेशा नज़रअंदाज करते रहे। जो भी इलेक्शन आए, हम इस पर तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन में अपनी बहुत सी कमजोरियां हैं, खामियां हैं, इसलिए कि वो चूंकि जज हैं, वो इलेक्शन कमीशन के जज मुकर्रर किए जाते हैं, जिनकी विल पावर बड़ी कमजोर होती है। इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो आईसीएस सर्विस का आदमी होता है, उसके पास विल पावर बड़ी सख्त होती है, वो फैसले करते हैं 5 से 15 मिनट में, हमारे यहाँ फैसले होते हैं 15 महीने तक। ये सारे मामलात हैं जहां पर कि हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला किया, बड़ा अच्छा फैसला दिया, उन्होंने बहुत से रास्ते भी दिखा दिए गए हैं, और उन्होंने इलेक्शन को कर्दम करार दे दिया है NA 195 और सूबाई असम्बली का। देखिए बड़ी हैरान कन बात है, उस पर आप जा नहीं रहे, और जो सूबाई असम्बली का जो हल्का 155, वहां भी उनको उसके इलेक्शन को भी कारदम करार दिया करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में। अभी किसी शख्सियात के बारे में हमारा कहने का जुबाज नहीं बनता, लेकिन बहरहाल अब यहाँ वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो उनका राइट बनता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तमाम जमीनी हकायक को सामने रखेगा, और साथ साथ चूंकि जुडिशल कमीशन बन चुका है और जुडिशल कमीशन के तहत तमाम इंक्वायरियां हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उसके कमीशन के अदालती कमीशन के चेयरमैन है, सदर हैं, तो इन हालात को देखते हुए ये मेरा ख्याल ये मेरी नाकिस राय है कि वो ये महसूस करेंगे हम तो पहले इंक्वायरी कर रहे हैं तो दरमियान में हम इसको कैसे रिलीफ दे दें। इन हालात को देखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला आया, बड़ा डॉक्यूमेंट फैसला आया है, और इसी तरह नारेवाल का के फैसले में जस्टिस जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के काजम मलिक ने जो फैसला दिया, तो जनाब डॉक्टर साहब रोहित असगर साहब भी और हमद खान साहब बैठे, उन्होंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा रिटर्निंग ऑफिसर ने तलवार से खून कर दिया है इंतखाबी कवानीन का, उन्होंने तलवार से सर कलम कर दिए हैं तमाम इंतखाबी कवानीन के, ये फैसला लिखा है खून कर दिया है। तो ये मैं कह रहा हूँ, बहुत ही इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत ही दिलचस्प आपने कॉमेंट्स किए हैं। मुझे एक ब्रेक ले दीजिए, ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक, हमारे पास 6-7 मिनट है, डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं जनाब बैरिस्टर हामिद खान साहब से, जहां कंवर दिलशाद साहब ने छोड़ा कि जमीनी हकायक जिस तरह के जुडिशियल कमीशन के सामने आ रहे हैं, जिस तरह के जुडिशरी के सामने आ रहे हैं, उसमें जुडिशरी जो है जाहिर है उसका माइंड जो है उस लार्जर पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से बनता है। उनका कहने का मतलब है कि जहां एक तरह से इसमें एक और पॉइंट अगर एड कर दें कि NA 125 के जो रिजल्ट हैं उसने एक चीज तो कम अज कम मैकेनिकल तरीके साबित की कि जब आप थैले खोलते हैं, बैग खोलते हैं, आप फॉर्म 14, 15, 16 को कंपेयर करते हैं, बैलेट को कंपेयर करते हैं, तो फिर उसमें से फैक्ट्स, उसमें से हकायक जो हैं वो निकल के आते हैं, जाहिर है सुपीरियर जुडिशरी देख रही है। आप समझते हैं कि जुडिशियल कमीशन को भी एक मॉरल, एक इंपेरेटिव और परसुएशन है कि उसको अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स, जिसका कि अधिकार राइट उनके पास मौजूद है ऑर्डिनेंस में, वो अब इस्तेमाल करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि भाई 25% हल्के जो हैं, जो 67 बनते हैं या 70 बनते हैं, उन्हें देख लिया जाए खोल के? जी मैं समझता हूं कि ये मुनासिब होगा, क्योंकि जो जुडिशियल कमीशन है उस पर कोई पाबंदियां नहीं हैं जो कि आमतौर पर मसलन ट्राइब्यूनल पे होती हैं और एडजुडिकेटिंग बॉडीज पे होती हैं कि उनको लॉ ऑफ एविडेंस पर पाबंद होना पड़ता है, प्रिजम्पशन जो कानून में दी हैं उसके पर होना पड़ता है। आप इसको नहीं मानते जो पीएमएलए ने कहा है कि जी अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट का इतलाक होगा एविडेंस पे?
جی اس میں جوڈیشل مرضی ہے, جو چوائس آف پروسیجر ہے یہ جوڈیشل کمیشن کی اپنی مرضی ہے, انہوں نے خود اس کو چوز کرنا ہے کہ وہ ضابطہ فوجداری کو کس حد تک اس میں لاتے ہیں, ضابطہ دیوانی کو کس حد تک لاتے ہیں اور کس حد تک قانون شہادت کو لے کے آتے ہیں. لیکن ان پر یہ وہ ساری پابندیاں جو ٹرائل کورٹس پر ہوتی ہیں, جو ایڈجوڈیکیٹنگ باڈیز پہ ہوتی ہیں, وہ نہیں ہیں. تو اس لیے ان کے بڑے ہاتھ جو ہیں وہ فری ہیں کہ وہ جہاں سے چاہے جو چاہے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں, جس باڈی کو چاہیں, جس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو چاہیں, ان کو بلا کے ان سے انفارمیشن کر سکتے ہیں. روحیل اسکر صاحب, ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے یہ مطالبہ کیا 3-4 دن پہلے کہ 65 حلقے جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کھول لے. اس کے جواب میں میں نے جو دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ایک ہلکا سا جواب آیا ہے کہ جی اگر حلقے کھولنے ہیں تو پھر اس کا تعین جو ہے وہ اعتزاز احسن یا پیپلز پارٹی کے کہنے پہ نہیں بلکہ جوڈیشل کمیشن یہ ڈیسائڈ کرے کہ کون سے حلقے کہاں پہ کھولنے. یعنی ایک پارشل جیسے کہتے ہیں ایک رضامندی پی ایم ایل این کی طرف سے ہے کہ بھائی یہ 65 حلقے 70 حلقے کھول کے دیکھ لیں. ڈاکٹر میں اس کو دو حصوں میں آپ کو جواب دوں گا. آپ ایک حلقے کو ڈسکس کر رہے ہیں جس پہ ایک فیصلہ آیا ایڈورس, اور جو اس سے پہلے جو حلقوں کے فیصلے آئے جو الیکشن ٹریبیونل سے دیے, ذرا اس کو بھی آپ اپنے آپ خاصا ماشاء اللہ آپ کا ایک ہے, اس کا سبجیکٹ بھی ہے آپ کا, آپ اس پہ کام بھی کرتے ہیں, ذرا ان کو بھی دیکھ لیجیے. تو ابھی ایکسپلین کر رہے تھے نا کہ صاحب کے کچھ تو اس لیے ریجیکٹ ہو گئے کہ تکنیکی اعتبار سے یہ اپلیکیشنز نہیں مانی گئی. کچھ ہو گئے جن کے آ گئے فیصلے جو ان لوگوں کے حق میں آئے جن لوگوں نے ان کے خلاف کیے ہوئے تھے. اچھا وہ آپ بتا دیں گا آپ کو, مطلب میں عرض کر رہا ہوں کتنے ہیں وہ جہاں پہ ووٹ کاؤنٹ ہوا اور صحیح ثابت ہو گیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجیے, میں ایک تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ایک مثال تو آپ کے سامنے میری ہے کہ جس میں آپ کا فیصلہ, لیکن ایگزامپل آپ کے ذہن میں نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ ایک فیصلہ ہوا الیکشن ٹریبیونل سے, پھر اس کے بعد موصوف نے الیکشن کمیشن سے اجازت لے کے اس کی انسپیکشن کروائی آپ کے حلقے جی, اور انسپیکشن کروانے کے بعد اس کمیشن نے انسپیکشن رپورٹ بھی دے دی. ٹھیک, اب میں اسی لیے ڈاکٹر صاحب اس کو کر رہا ہوں, روز روز تو میں چینل پر نہیں آ سکتا. صحیح, نہ روز روز آپ مجھے بلوائیں گے. سر میڈیا لوز یو, میں ہم تو آپ کو روز ہی دیکھتے ہیں. میں آپ کو کر رہا ہوں نا کہ میں روز اپنا تو موقف نہیں پیش کر سکتا. ٹھیک, اب میں نے اپنا موقف پیش کر دیا آپ کے سامنے, آپ کے دیکھنے. موقف کو آسان زبان میں بتائیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایک حلقے پہ نہ جائیں. ایک حلقے پہ آپ نہ جائیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اچھا, اس لیے کہ بہت ساری پٹیشن جو ہیں جن لوگوں کے خلاف فیصلے آئے وہاں پہ جوڈیشل کمیشن الیکشن جو ٹریبیونل سے انہوں نے فیصلے دیے وہ بھی سپریم کورٹ میں ہیں. اور ایک بات اور میں آپ کو ڈاکٹر صاحب, میں اپنے تجربے کی روشنی میں, میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو کسی کی جیت کو ہضم کرتے نہیں دیکھا. ایک بات تو یہ. ٹھیک, دوسری بات میں آپ کو جو عرض کروں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. بات یہ ہے کہ جو بات اکثر مسلم لیگ نون نے یہ کہی, یہ حقیقت ہے کہ آپ کیسے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 60 کھول لیں یا 65 کھول لیں یا 62 کھول لیں. اور آپ نے اگر لیکن کھولے جا سکتے ہیں نا, اچھی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این بھی سمجھتی ہے کہ کھولے جا سکتے ہیں. آپ کو عرض کروں یہ بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے, بڑی لمبی بحث ہے کہ آپ کیا کھولنا چاہ رہے ہیں. آپ اس کی ری کاؤنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کاؤنٹر فائل کی چیک کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ میری بات نوٹ کر لیجئے, حامد خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں. ایک آپ کو قانون بدلنا پڑے گا اور وہ بدل نہیں سکتے, اس سے تو بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا. وہ ہے سیکرٹ بیلٹنگ کا. کاؤنٹر فائل جو ہے اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ووٹ کس کو پڑا ہے. ذرا یہ ٹیکنیکل اس پہ لے لیں قمر دلشاد صاحب. سیکرٹ بیلٹنگ ہمارے راستے میں آ جاتی ہے. جو لاسٹ کامنٹ, ٹھیک کہتے ہیں بات ظاہر ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اپنا روہیل اسکر صاحب کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ ہوتی ہے, بیلٹ جو ہوتا ہے نا کاؤنٹر فائل, اس پہ یہ تو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس کو بیلٹ کیا ہے, کس کو اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. بات درست ہے, لیکن بہرحال جو کاؤنٹر فائل پہ اگر اس کی بے ضابطگی ہو گئی ہے, اس پہ دستخط نہیں ہے, مور نہیں ہے, تو پھر وہ زہر بے ضابطگی سب کے لیے نافذ ہو جاتی ہے, پھر ایک کے لیے نہیں ہوتی. پھر وہ عام طور پر ریٹرن کینڈیڈیٹ ہی وہ ذمرے میں آتے ہیں کہ زہر اس کو ویریفیکیشن دیا گیا, لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بیلٹ کہاں گیا. لیکن جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کے خاتے میں جاتی ہے کہ یہ کامیاب ہوا ہے, یہ بینیفیشری ہے. زہر اب طرح یہ بات درست ہے, اور اسی طرح سے یہ بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ جب بے قاعدگیاں ملتی ہیں, جب ارریگولیرٹیز ملتی ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ الیکشن مشکوک ہو جاتا ہے. یہ کہنا کہ کینڈیڈیٹ کا کوئی قصور نہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے کہ خواجہ سعد رفیق پہ یا کسی اور کینڈیڈیٹ پہ الزام لگایا نہیں جا سکتا, نہیں تو پھر اس کو اتنا اٹھالا بھی جو جا رہا ہے. لیکن سر یہ جو عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ بھی جوڈیشری دیکھ رہی ہے, لیکن روہیل اسکر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ محض ایک حلقے کی بنیاد پہ تو کوئی زمینی حقائق پیدا نہیں ہوگے, ان کو بھی چیلنج کیا گیا تھا, وہاں بھی بیلٹ دیکھے گئے اور پھر وہ نتیجہ ان کے فیور میں ہی نکلا.
وہ درست ہے، وہ ظاہر ہے تمام حقائق دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ان کا جو لیڈرشپ ٹریبل جو فیصلہ کیا ہے ابھی 125 کے بارے میں، وہ ساتھ ساتھ بڑا اہم فیصلہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ قومی اسمبلی کے نشست سے بھی محروم ہو گئے اور صوبائی اسمبلی کی بھی ہو گئی، یہ ایک بڑی بات ہو گئی۔ وہ بھی پوچھ لیجئے کیا یہ ممکن ہے کہ جن کیسز کو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ کیسز میں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ ہے، اس میں کیا آپ دخل دے سکتے ہیں؟ وقت میرا ہمارا بالکل ختم ہو گیا، آپ تمام لوگوں کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ یہاں پہ پروگرام میں۔ ناظرین آپ نے ہماری بحث دیکھی، یقینی طور پر یہ ساری کی ساری ڈبیٹ ایک بہت ہی دلچسپ پیراہے میں بڑے ہی انٹرسٹنگ فیز میں شامل ہو چکی ہے۔ اگلے آنے والے چند دن ہفتے یہ دکھائیں گے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہت شکریہ۔